चोहारा पुलिस ने किया पटाखे बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। दो अभियुक्त किए गिरफ्तार। बिजनौर के चोहारा थाना क्षेत्र के कस्बे में अवैध पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का चोहारा पुलिस ने किया भंडाफोड़। दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोहारा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कस्बा चोहारा के मोहल्ला कस्बे में अवैध रूप से घर के अंदर पटाखे बनाए जा रहे हैं। चोहारा पुलिस ने घर की घेराबंदी करते हुए विस्फोटक पदार्थ के साथ रिफाकत हुसैन पुत्र निसार, नजाकत पुत्र निसार अहमद मोहल्ला कस्बा को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में 8 प्लास्टिक कट्टे, करीब 165 किलोग्राम पटाखे, एक प्लास्टिक के डिब्बे में एल्युमिनियम पाउडर वजन 2 किलोग्राम, एक प्लास्टिक के डिब्बे में 2 किलोग्राम पोटास, एक प्लास्टिक के डिब्बे में 2 किलोग्राम 800 ग्राम काला पाउडर, दो कट्टों में 50 अदवने अनार बजरी सुतली बम तराजू बाट के साथ गिरफ्तार किया गया। चोहारा थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक रफल सिंह सैनी, कस्बा इंचार्ज ओमकार सिंह, कांस्टेबल शाहनवाज, कांस्टेबल अमित सहगल, पीआरडी जवान संजीव द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनको जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से संजीव शर्मा, ब्यूरो चीफ की खास खबर।